आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ट्रेड यूनियन। ये एक पार्ट है ऑफ थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एक मैक्रो इकोनॉमिक का एक छोटा सा पार्ट। ट्रेड यूनियन क्या होता है, उसका फंक्शंस क्या है, वो हमारे इकोनॉमी में ज़रूरी है नहीं है, और साथ में उसका रहना और न रहने का कुछ फ़ायदा और हानिकारक चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब शुरू करते हैं ट्रेड यूनियन किसको कहते हैं। ट्रेड यूनियन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जहाँ पे जिनका मेन एम है टू मेंटेन और टू इम्प्रूव देयर एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस। काम करने का जो एनवायरनमेंट है उसको इम्प्रूव कैसे करें या उसको मेंटेन कैसे करें, ये इनका मेन काम है। तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रेड यूनियन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये कंटिन्यूस वर्ड बहुत ज़रूरी है क्योंकि कंटिन्यूस मतलब इनका काम हमेशा ही चलता रहता है। सो दैट इज वाई ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब चलिए शुरू करते हैं कि इनके फंक्शंस के साथ। फंक्शंस बोला जाए तो मेनली दो ही मेन फंक्शंस ये ट्रेड यूनियंस का है। सो फंक्शंस दो ही है। नंबर वन जिसको बोलते हैं फ्रैटर्निटी, या फ्रैटर्नल भी बोल सकते हैं, जिसका सीधे शब्दों में हम लोग बोल सकते हैं म्यूचुअल हेल्प सर्विसेस या फंक्शंस। अब इसके अंदर क्या आता है, हम लोग कभी देखते हैं कि कुछ ऑफिसेस में या कुछ अन्य फार्म्स में एक कुछ खेल होता है, स्पोर्ट्स होता है, देन ये स्कूल चलाना, हॉस्पिटल चलाना। सो इन सब से क्या होता है कि जो जनरल वेलफेयर है वो सोसाइटी का बढ़ जाता है। इसीलिए ये हो गया म्यूचुअल हेल्थ फंक्शन के अंदर फ्रैटर्निटी। अब दूसरा फंक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं मिलिटेंट, या सीधे शब्दों में फाइटिंग फंक्शन। अब फाइटिंग फंक्शन नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे कुछ झगड़ा, दंगा, फसाद, यही सब के बारे में ये दूसरा फंक्शन है जो कि हम लोग आमतौर पे देखते आते हैं कि अक्सर ही ट्रेड यूनियन वाले स्ट्राइक पे चले जाते हैं, धरने पे चले जाते हैं। तो ये क्यों करते हैं, क्योंकि अगर उनका एम्प्लॉयर, उनका जो मालिक है, वो अगर उनकी बातों को या उनके प्रॉब्लम्स को नहीं समझता है तो उनको समझाने के लिए उनके पास और कोई भी उपाय नहीं रहता, तभी वो लोग धरने पे या आंदोलन में जाते हैं। सो यही हो गया हमारा सेकंड फंक्शन जिसका मतलब है मिलिटेंट या फाइटिंग फंक्शन। अब चलिए शुरू करते हैं कि तो इनका मेन एम जो है वो इनके वेज के ऊपर ही घूमता रहता है। उनका वेज कैसे बढ़ाया जाए या कैसे इम्प्रूव किया जाए, यही उनका हमेशा से मोटिव रहता है। इसीलिए वो लोग बहुत सारे उपाय निकाले हैं कि अपना वेज को कैसे बढ़ाया जाए। चलिए उन सब के बारे में थोड़ा डिस्कस किया जाए। तो हाउ टू इंक्रीज वेजेस, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ट्रेड यूनियन वालों के लिए। क्योंकि उनको बहुत सारे चीज़ें दिमाग में रखने पड़ते हैं कि अभी हम लोग उन्हीं सब के बारे में डिस्कस करेंगे जहाँ से ये क्वेश्चन का जो महत्व है वो सामने आएगा। तो यहाँ पे हमारा पहले जो वेज यूनियन वाले हैं, ये लोग हमेशा ये मेक श्योर करते हैं कि हमेशा यही होना चाहिए जो उनको वेज मिले वो उनका फुल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का जो पूरा वैल्यू है वो उनको मिलना चाहिए। थोड़ा इक्वेशन में बताएं तो पहला जो इनका ये करने का जो रास्ता है वो है जो वेज है दैट हैज़ टू बी इक्वल टू
द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर. तो यहाँ पे W हो गया हमारा वेज, और MPL आपको पता ही है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर. तो ये उनका हमेशा से मुद्दा है कि जो वेज है वो MPL के साथ हमेशा सेम होना चाहिए. अभी ये कंडीशन होल्ड तो कर जाता है कुछ कुछ सिचुएशन में, जैसे कि अगर हम लोग परफेक्ट कॉम्पिटिशन का सिचुएशन लें, अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन W इज इक्वल टू MPL, ये सिचुएशन होल्ड करता है. मगर जहाँ पे परफेक्ट कॉम्पिटिशन नहीं होता है, अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, जहाँ पे मोनोपोली आ गया, डुओपोली आ गया, मोनोपोली, ओलिगोपोली, काफी सारे ऐसे चीजें हैं, तो वहां पे ये जो है ये W इज इक्वल टू MPL ये होल्ड नहीं करता, क्योंकि उनका जो बार्गेनिंग पावर है अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन बहुत कम होता है, बहुत कमजोर होता है. तो इसीलिए उनका उपाय क्या है, अपना बार्गेनिंग पावर बढ़ाए ताकि वो लोग ये जो उनका मुद्दा है ये वो क्लेम कर सके. अब तो हम लोग देख सकते हैं कि MPL के ऊपर वेज डिपेंड करता है. अगर MPL बढ़ जाए, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एन एम्प्लॉय अगर बढ़ जाए तो उसका वेज भी बढ़ेगा. तो अभी नेक्स्ट क्या आ गया कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है. अब देखते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगा. मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वो तीन काम कर सकता है. इंक्रीज इन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर. तो पहला आ गया कि वो अपने जो एम्प्लॉयर है, अपना जो बॉस है, उसको वो फोर्स करे कि हमको भैया अप टू डेट जो अप्लायंसेस है हम लोगों को वही सिर्फ प्रोवाइड कीजिए. तो नंबर वन हो गया अप टू डेट अप्लायंसेस. दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो सकता है कि ये लोग अगर अपना एफिशिएंसी लेवल बढ़ा दे तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगा. इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ लेबर. अब ये वो लोग बहुत तरीके से कर सकते हैं. एक हो सकता है कि अगर कोई नया कर्मचारी अगर फॉर्म में इंक्लूड होता है या उसका अगर नया काम होता है तो वो अपना एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएगा, जब उसके साथी या उसके जो अदर्स एम्प्लॉई है वो अगर उसको हेल्प करे टू सारे इन्फॉर्मेशन देने में, कैसे क्या काम करना है ये सब अगर बता दिया जाए तो वो बहुत जल्दी ही सारे काम सीख जाएगा. इस हिसाब से उसका भी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा. और तीसरा और बहुत सहज उपाय है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए कि जो लेबर सप्लाई है उसको कम कर दिया जाए. अब लेबर सप्लाई, चलिए थोड़ा इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि लेबर सप्लाई को फॉल करने का क्या उद्देश्य हो सकता है. अब देखिए लेबर सप्लाई अगर वो फॉल करेगा तो थर्ड पॉइंट हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे लेबर सप्लाई फॉल को लेकर, फॉल इन लेबर सप्लाई. अब लेबर सप्लाई वो फॉल तब ही करेगा जब अगर एक प्रोडक्ट है सपोज, उस प्रोडक्ट के लिए जो लेबर डिमांड है वो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए. बट अगर उसी सिचुएशन में लेबर सप्लाई फॉल कर गया तो स्वाभाविक है कि वेजेस ज्यादा देना पड़ेगा, नहीं तो आउटपुट भी फॉल कर जाएगा. तो लेबरों को कुछ इंसेंटिव तो देना पड़ेगा वरना वो लोग काम नहीं करेंगे. अब ये जो लेबर सप्लाई को कम करने के लिए भी यूनियन वाले बहुत सारे उपाय इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वो लोग गवर्नमेंट के साथ अपील कर सकते हैं कि हमारा जो इमिग्रेशन लॉ है ये एक पास कराइए, या तो फिर जो वर्किंग आवर है जितना घंटा काम करना है घंटे का काम करना वो कम कर दीजिए. फिर एक और हो सकता है कि वो लोग अपने यूनियन में दूसरा कोई एक्स्ट्रा इंसान को नहीं आने देंगे कि यूनियन में इतने हैं तो इतने ही हम लोग रहेंगे. और वहां से वो लोग ये भी बता सकते हैं यूनियन वाले कि लेबर फोर्स में सिर्फ यूनियन वाले ही रहेंगे, नो अदर पर्सन, सिर्फ यूनियन वाले. तो ये कुछ उपाय हैं जो यूनियन वाले अडॉप्ट करते हैं ताकि अपना लेबर सप्लाई कम कर सके.
अब जैसे कि मैंने कहा, ये सिचुएशन सिर्फ तभी संभव है जब जो डिमांड फॉर इलास्टिसिटी है, डिमांड फॉर लेबर है, वो इन इलास्टिक हो। सो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है इन इलास्टिक डिमांड फॉर लेबर, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तब वेज नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि जो एम्प्लॉयर है वो तो दूसरे को हायर कर लेगा, या खुद अगर यही चीज़ पे कंटिन्यू करता रहा तो इन द लॉन्ग रन हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जो एम्प्लॉयर है वो स्विच कर गया है जहाँ पे इंसानों को या लेबरर को बहुत कम अमाउंट में चाहिए, दैट इज़ लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो उस सिचुएशन में तो कभी भी वेज नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पे इंसानों को चाहिए नहीं, तो वेज क्यों दे, क्यों बढ़ाए, ठीक है। तो ये इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लेबर डिमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, ये जो एक्स्ट्रा जो वेजेस या जो एक्स्ट्रा जो ये लोग डिमांड कर रहे हैं यूनियन वाले, तो ये पैसा कहाँ से आता है, ये वेज का जो कॉस्ट है ये कहाँ से एक एम्प्लॉयर लाता है? ये दो सोर्सेज है जहाँ से ये ला सकता है। नंबर वन, एक एम्प्लॉयर का जो रेंट कलेक्शन होता है, रेंट कलेक्शन मतलब रेंट का इनकम, अगर वो एक कैपिटल यूज करता है तो वो कैपिटल जिससे लिया है उसके वहाँ से उसको कुछ पैसा मिलेगा, क्योंकि वो उसको यूज़ कर रहा है, तो इसको हम लोग रेंट कहते हैं। लैंड रेंट भी हो सकता है कि जिस लैंड पे वो काम कर रहा है, या अगर वो उसका लैंड नहीं है तो वो वहाँ से भी कुछ एट द एंड ऑफ द मंथ और उनका जो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम है उस हिसाब से इनको पैसा मिलेगा। तो ये हो गया रेंट इनकम से ये लोग एक्स्ट्रा वेज पे करेंगे। एक और हो गया कि मोनोपोली गेन से। अब एक मार्केट में तो हमेशा परफेक्ट कॉम्पिटिशन रहता नहीं है, या तो मोनोपोली या डुओपोली, तो इन सब का तो कुछ कुछ प्रॉफिट होता है, जो गेन होता है उससे कुछ प्रॉफिट, कुछ अंश ये लोग ट्रेड यूनियन वालों को एज एन एक्स्ट्रा वेज, हायर वेज पे करते हैं। अगेन एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जो ये एक्स्ट्रा वेज पे किया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो फॉल कर जाए। ये दोनों बहुत ही अलग चीज़ें हैं। इन्वेस्टमेंट का जो इनकम है वो अलग है, और जो हायर वेजेस का है ये अलग है। तो अगर हायर वेज अगर एक कंपनी पे करता है तो उसका इन्वेस्टमेंट कभी कम नहीं होगा। अब चलिए डिस्कस करते हैं कि अगर एक ट्रेड यूनियन, यस ट्रेड यूनियन अगर है मार्केट में, तो उसका कुछ तो फायदा या डिसइफेक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस तो होगा। चलिए थोड़ा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ट्रेड यूनियन डिस्कस किया जाए। कॉन्सिक्वेंसेस हम लोग ब्रॉडली दो कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि अभी यूनियन वाले हायर वेज डिमांड कर रहे हैं, ये एक सिचुएशन हमारे पास हमेशा एग्जिस्ट करेगा अगर ट्रेड यूनियन है। तो अगर वो ज़्यादा हायर वेज डिमांड कर रहा है तो एम्प्लॉयर कहाँ से देगा? जैसे कि मैंने बताया कि उसके प्रॉफिट से, रेंट कलेक्शन से, यहीं से देना है। अब उस सिचुएशन में अगर एम्प्लॉयर सोचे कि हम लोगों को फार्म एक्सपैंड करना है या उसको बड़ा करना है, तो फार्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास वो एक्स्ट्रा इनकम नहीं है। वो एक्स्ट्रा इनकम ट्रेड यूनियन वालों को हायर वेज देने में चला गया। सो यहाँ पे नंबर वन हो सकता है प्रिवेंट एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री, तो एक्सपेंड नहीं कर पाएगा। अब दूसरा क्या हो सकता है? अभी अगर ऐसा सिचुएशन तो एक एम्प्लॉयर के पास आ ही सकता है कि उसका जो ट्रेड यूनियन वाले लोग हैं, वर्कर हैं, उनका कंटिन्यूअसली डिमांड बढ़े ही जा रहा है कि वेजेस हमारा और हायर करो। तो ऐसा एक सिचुएशन एम्प्लॉयर के पास आएगा जब वो बर्डन नहीं ले सकता, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट दोनों का बढ़ेगा, या तो एम्प्लॉयर का बढ़ेगा क्योंकि एम्प्लॉयर या तो फिर फॉर्म बंद करके चला जाएगा, और या तो ये हो सकता है, या तो फिर एम्प्लॉयर एक और काम क्या कर सकता है, अपना जो आउटपुट है, जो फाइनल आउटपुट है, वो बहुत कम कर देगा। तो इसके चलते क्या होगा कि उसके अंदर वो जो फार्म है उसके अंदर जितने सारे लोग काम करते थे उनको वो डिस्चार्ज कर देगा।
अब देखिए मतलब मैंने क्या क्या बोला, फिर से एक बार बोलते हैं। पहले हो गया कि अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, क्यों होगा, बिकॉज कैपिटलिस्ट और एम्प्लॉयर कैन नॉट बियर द बर्डन तो बर्डन अगर नहीं ले पाया तो वो अनएम्प्लॉयमेंट कर देगा। अब कैसे अनएम्प्लॉयमेंट होगा ये डिस्कस करते हैं। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट कर दिया या तो फिर एम्प्लॉयर मूव्स आउट ऑफ द मार्केट, या तो ये करेगा, या नेक्स्ट है कि जो टोटल आउटपुट इज रिड्यूस्ड टू वेरी लो एक्सटेंट, एंड इसके चलते, इन दोनों के चलते इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, लेबर डिस्चार्ज। मतलब उनको वहां से, इस फार्म से तो निकाल दिया गया, बिकॉज फार्म में तो और कुछ है नहीं कि वो लोग काम कहाँ करेंगे। तो अभी ये जो डिस्चार्ज लेबर है ये अल्टीमेटली किसी और फार्म में जाएंगे, क्योंकि इनको भी तो घर चलाना है, तो इसीलिए ये लोग और दूसरे फार्म में जाकर खुद को एम्प्लॉय करेंगे। अब अगर वहां पे एम्प्लॉय करेंगे तो उस फार्म का तो ऑलरेडी एक इक्विलिब्रियम सिस्टम था। तो डायग्राम में बताते हैं, ये डिमांड है, डिमांड तो कांस्टेंट है, पहले यहाँ पे था, ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम था, लेट दिस बी पॉइंट ए, पहले दिस पॉइंट वाज इक्विलिब्रियम, दिस इज लेबर सप्लाई। अभी ये जो डिस्चार्ज लेबर है ये लोग फार्म, दिस फार्म में चले गए, तो लेबर सप्लाई बढ़ गया, शिफ्ट्स राइटवर्ड, लेबर सप्लाई शिफ्ट हो गया। तो अभी क्या हुआ, स्वाभाविक है कि यहाँ पे जो, यहाँ पे हम लोग वेज मापते हैं और यहाँ पे हम लोग लेबर सप्लाई मापते हैं, लेबर मापते हैं, तो यहाँ पे वेज क्या हुआ, फॉल कर गया, ए टू बी में शिफ्ट हो गया। तो ये दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज है ऑफ ट्रेड यूनियन। अभी हर एक चीज का हम लोग को पता है कि एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों होता है, ट्रेड यूनियन का भी है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ट्रेड यूनियन। पहले करते हैं मेरिट्स। मेरिट्स ऑफ ट्रेड यूनियन क्या है, तो पहले जो है कि अगर एक कंपनी में या एक फार्म में बहुत स्ट्रॉन्ग अगर एक ट्रेड यूनियन एग्जिस्ट करता है, तो उसके चलते वो हमेशा ये मेक श्योर करेगा कि उस कंपनी में या उस फार्म में हमेशा से एक जो क्या बोलते हैं हम लोग, जो स्टेबिलिटी है काम करने के बाद, जो स्टेबिलिटी है एंड जो शांति है, पीस है, वो हमेशा बनाए रखेगा। एक स्ट्रॉन्ग यूनियन एंश्योर्स पीस एंड स्टेबिलिटी इन द फार्म। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, हम लोगों ने देखा कि एक ट्रेड यूनियन हमेशा स्टैंडर्ड वेज रेट को इंक्रीज करना चाहता है। जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था कि जो लेबर सप्लाई है वो फॉल करेगा, तभी एमपीएल बढ़ेगा, उस हिसाब से उसका वेज बढ़ेगा। मगर अभी जो मॉडर्न हम लोगों ने देखा है कि जो मॉडर्न ट्रेड यूनियंस है ये लोग कुछ खास लेबर सप्लाई को फॉल करने के पक्ष में नहीं है, ये लोग स्टैंडर्ड वेज रेट जो है उसको हमेशा बढ़ाना चाहते हैं। अब स्टैंडर्ड वेज रेट को अगर हम लोग बढ़ाएंगे, स्टैंडर्ड वेज रेट को बढ़ाने के चलते जो है एक बहुत अच्छा काम होगा कि जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉयर्स हैं, जो मालिक है इनएफिशिएंट, वो लोग मार्केट से हट जाएंगे। क्यों हट जाएंगे, क्योंकि उनके पास उतना जो एफर्ट या जो इनकम चाहिए वो उनके पास नहीं होगा, तो वो लोग स्टैंडर्ड वेज रेट नहीं दे पाएंगे।
तो इट रिमूव्स इनएफिशिएंट एम्प्लॉयर्स। नंबर थ्री हो गया कि हम लोगों ने देखा कि फंक्शंस में, बेसिक फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियन में एक है म्यूचुअल हेल्प फंक्शन, जहां पे वेलफेयर इंक्रीज करता है, म्यूचुअल हेल्प। इसके चलते क्या होगा, जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स इंक्रीज करेगा। म्यूचुअल हेल्प के चलते जो एफिशिएंसी है, काम इंसान कैसे काम करेगा, वर्कर का काम करने का तरीका, वो हमेशा बढ़ता रहेगा। तो दैट्स व्हाई म्यूचुअल हेल्प फंक्शन इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स। अब चौथा क्या हो गया, हम लोगों ने देखा कि ट्रेड यूनियन वालों का तो सिर्फ एक ही मोटिव है कि वेज बढ़ाना है। तो दैट इज व्हाई हम लोग एक तरीके से बता सकते हैं कि जो लेबर कॉस्ट है ये हमेशा इंक्रीज कर रहा है। अब इंक्रीज करने के चलते एक टाइम पे ऐसा आएगा जब एम्प्लॉयर या जो मालिक है उसको लगेगा कि नहीं, मेरा तो बहुत खर्चा हो रहा है लेबर के पास, तो ही विल स्विच टू लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी। ये भी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी के चलते वो कम लेबर को एम्प्लॉय करेगा, और इसके चलते फाइनली क्या हो रहा है, हमारा जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है इज इंक्रीजिंग। क्योंकि पहले से लेबर से होता था, अभी वो लेबर सेविंग आ गया, मतलब कैपिटल भी आ गया, तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो रहा है। ये चार इंपॉर्टेंटली मेरिट्स है ऑफ ट्रेड यूनियन। अब डिमेरिट्स में क्या आएगा, डिमेरिट्स में नंबर वन आएगा कि ऐसे जैसे कि मैंने बताया कि स्टैंडर्ड वेज ऑफ वेज रेट को हमेशा फोकस किया जाता है, तो स्टैंडर्ड वेज रेट को चूंकि फोकस किया जाता है तो उसकी वजह से हर एक एम्प्लॉय को सेम वेज मिलता है, चाहे वो एम्प्लॉयर किसी कंपनी का सीईओ हो या क्लर्क हो, सभी को एक ही सैलरी मिल रहा है। तो ये एक डिमेरिट हो गया ऑफ स्टैंडर्ड वेज रेट। Everyone is getting same payment. अब दूसरा क्या हो सकता है कि वेज जो ट्रेड यूनियन वाले हैं वो लोग हमेशा एक बड़ा ही हॉस्टाइल सा एटीट्यूड रखते हैं कि नहीं, हम लोगों को कोई भी आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है हम लोगों को नहीं चाहिए, हम लोग हमेशा पुराने में ही रहेंगे। क्योंकि उनको पता है कि अगर नया टेक्नोलॉजी आ गया तो वहाँ पे उनको उतना जो लेबर फोर्स है वो ज़रूरत नहीं है। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस नहीं हो पाता, नॉट चेंजिंग बिकॉज ऑफ हॉस्टाइल बिहेवियर ऑफ द यूनियन। अब तीसरा क्या हो गया, एक होता है गो स्लो पॉलिसी। गो स्लो पॉलिसी के चलते क्या होता है कि ज्यादा वो लोग ज्यादा काम करना नहीं चाहते, हमेशा वो लोग लगता है कि धीरे धीरे काम करना है, हो जाएगा, ऐसा होता है। तो उस हिसाब से गो स्लो पॉलिसी के चलते जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस, एंड जो नेशनल आउटपुट है और नेशनल आउटपुट भी रिड्यूस हो जाएगा। तो ये हो गया गो स्लो पॉलिसी का डिसएडवांटेज। अब फोर्थ में आ गया कि जो लेबर ट्रेड यूनियन वाले हैं ये लोग हमेशा एक आर्टिफिशियल सा स्केर्सिटी ऑफ लेबर प्रोड्यूस करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग तो हमेशा यही चाहते हैं कि उनके लेबर फोर्स से ही, मतलब यूनियन वालों में से ही वो लेबर फोर्स में रहे, अदर देन यूनियन वाले कोई ना रहे। सो दे क्रिएट एन आर्टिफिशियल
क्राइसिस ऑफ लेबर, और पांचवा और अंतिम है कि यूनियन वालों के पास बहुत ज्यादा अमाउंट में पावर रहता है कि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। तो अगर ये सिचुएशन रहता है, हम लोग अक्सर देखते हैं कि कभी भी कहीं भी स्ट्राइक हो जाता है, इसके चलते वो लोग कभी ये कैलकुलेट नहीं करते या हिसाब नहीं कर पाते हैं कि वो लोग कितना ज़्यादा हानिकारक इफेक्ट कर रहे हैं अपने ऊपर, अपने एम्प्लॉयर के ऊपर और पूरे समाज के ऊपर, पूरे इकोनॉमी के ऊपर। दे आर डूइंग हार्मफुल इफेक्ट्स, तो ये उनको नहीं पता रहता है। तो हम लोग इसको एक शब्द में बोल सकते हैं अनलिमिटेड स्ट्रेंथ, अनलिमिटेड स्ट्रेंथ के चलते। अनलिमिटेड स्ट्रेंथ अगर रहेगा तो वो लोग कभी भी अपना भला नहीं कर सकते हैं, और ज्यादा स्ट्राइक और इसके वजह से सबके ऊपर, पूरे इकोनॉमी के ऊपर एक हार्मफुल इफेक्ट हमेशा रहेगा। तो यही था हमारा ट्रेड यूनियन के ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन। आप लोगों को अगर कुछ भी किसी भी तरीके का समस्या हो, डाउट हो, आप लोग हमेशा हमसे पूछ सकते हैं। Thank you for watching.